दोस्तों इस लड़की ने बहुत परेशान किया है मुझे। क्या? बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है इसने। अब ये कह रही है मुझे गर्म मसाले वाली और तीखे मिर्च वाले रामेन खिलाएगी, ये कोरियन। देखो दोस्तों बचाओ मुझे, यही लड़की है ये फ्यूल की बत्ती जल गई है तो फिल करवा लेते हैं और माइलेज भी चेक कर लेते हैं कितना माइलेज है। पेट्रोल पंप बगल में ही है, एक बार दिखाता हूँ कितने के माइलेज अभी मिल रही है अपने को गर्मी में। फुल कर देना, बस किलोमीटर। भाई 24 का माइलेज करो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कुछ भी दिखाता है। दोस्तों हमें माइलेज मिला है 23.5 का, जो कि काफ़ी कम है, समझ नहीं आता, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। जब नॉर्मली 26 के आसपास मिलता था, इस बार तो काफ़ी कम आया है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों गर्मी में माइलेज की काफ़ी कम हो गई है। वैसे फिर से मैं एक बार, अभी मैंने डलवाया है इसमें 95 और अब अगली बार मैं आपको 95 के साथ बताऊंगा कितना ज़्यादा माइलेज आ रहा है इसका। वैसे तो मुझे लगता नहीं 25 का राउंड मिलना चाहिए, 25 गुड एनफ मुझे लगता है ऐसा इन सब बाइकों के लिए। हम रेप करते हैं, खींचते हैं, भगाते हैं, माइलेज थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज होगा, बट हाँ 25 से 27 के बीच में एज यूजल आता था, वो नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। एयर फिल्टर भी मैंने अभी चेंज करवाया था, बट हाँ क्योंकि लास्ट जो 200 किलोमीटर चला है तो एयर फिल्टर पर काफ़ी चोट था, गंदा हो गया था, तो ऑब्वियसली माइलेज तो थोड़ा कम होना चाहिए था। सो अब जो मिलेगा माइलेज मुझे लग रहा है, जो नेक्स्ट रिफ्यूलिंग पे मैं चेक करूँगा, तो उसमें माइलेज वापस से 26-27 का मिलना चाहिए मुझे। लेट्स सी क्या होता है।
क्योंकि सर्विस सेंटर पे जाती है ना, तो इसमें तेल काफ़ी खपता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर करते हैं, चेक करते हैं, चलाते हैं, ऑन करके छोड़ते हैं काफ़ी देर तक, तो उन सब चीज़ों से भी माइलेज काफ़ी कम हो जाता है। बट मुझे लगता है अब जो माइलेज मिलेगा वो बड़े प्यार से 26-27 के बीच का मिलेगा हमें।